भी तो ये दूसरे नंबर का है, पहले नंबर का मामला तो एससी एसटी ओबीसी का है, दूसरे नंबर का मामला मुसलमानों का है। जब हमने एससी एसटी ओबीसी के द्वारा भारत बंद का ऐलान किया तो मुसलमानों को लगा कि सीए का कानून तो पार्लियामेंट ने पास किया, अब ये कानून सारे देश भर में लागू होगा और सारे देश भर में मुसलमानों को निकाला जाएगा। इसलिए 29 जनवरी 2020 के आंदोलन में मुसलमान भी बहुत बड़ी संख्या में शामिल हो गए। 5 मार्च 2019 को मुसलमान शामिल नहीं थे, मगर 29 जनवरी 2020 को मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में शामिल हो गए। जब मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में शामिल हो गए तो पहले से भी ज्यादा बड़ा भारत बंद हो गया। जब पहले से भी ज्यादा बड़ा भारत बंद हो गया, मैं आप लोगों को एकता की बात समझा रहा हूं कि एकता से क्या हो सकता है, वो बात समझा रहा हूं। एक एक जाति समूह को लेकर के काम चलने वाला नहीं है, वो समझा रहा। तो जब सारे लोगों को हमने इकट्ठा किया, भारत बंद किया, तो परिणाम क्या हुआ, वो पहले से ज्यादा भारत बंद हो गया। जब पहले से ज्यादा भारत बंद हो गया तो इसके दो बड़े परिणाम हुए। सीएए का कानून, ये सारे शिष्य बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के पहल से बनाया गया था, वो कानून अभी तक लागू नहीं हो पाए। कितने लोगों को पता है? चलो 2-3 लोगों को पता है, 2-4-5-10 लोगों को पता है, चलो अच्छी बात है। वो हमारे लोगों के द्वारा ही बताया गया और उन्होंने सुना होगा तो मालूम हो गया होगा, बाकी किसी को पता है नहीं। नरेंद्र मोदी ने जो सीए का कानून पास किया, वो जब हमने 29 जनवरी 2020 को भारत बंद किया, उसके बाद से वो कानून कचरा कुंडी में पड़ा हुआ है। ये भारत बंद की वजह से, समझ रहे हो? अकेले शाहीन बाग वाले आंदोलन कर रहे थे, अकेले, ध्यान से सुनो, बहुत खास बात बता रहा हूं, समझ में आने के लिए थोड़ा दिमाग आपके पास जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसका उपयोग करो जो समझा रहा है। अकेले शाहीन बाग वाले मुसलमान जब इस कानून का विरोध कर रहे थे तो देश में हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा हो रहा था। जब हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा होता है तो बीजेपी को फायदा होता है, आरएसएस को फायदा होता है, विश्व हिंदू परिषद को फायदा होता है। जब हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा हो जाता है तो आरएसएस बीजेपी को फायदा होता है। तो शाहीन बाग के आंदोलन से हिंदू मुसलमान हो रहा था, मगर जब हमने एससी एसटी ओबीसी की तरफ से पहल की और भारत बंद का ऐलान किया और मुसलमानों ने साथ दिया तो एससी एसटी ओबीसी प्लस मुसलमान, भारत बंद हो गया। जब भारत बंद हो गया तो शाहीन बाग वाले आंदोलन ने जो कानून का हश्र करना चाहिए था वो नहीं हुआ। जब हमने भारत बंद किया तो वो कानून कचरा कुंडी में जाके पड़ा। शाहीन बाग से तो उनको फायदा हो रहा था क्योंकि वो केवल मुसलमानों का आंदोलन था और मुसलमानों के आंदोलन से हिंदू मुसलमान मामला बन रहा था, आरएसएस को फायदा हो रहा था। मगर जब एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने पहल करके भारत बंद किया और मुसलमानों ने समर्थन दे दिया तो एससी एसटी ओबीसी एक तरफ और दूसरी तरफ मुसलमान सारे इकट्ठा आ गए। इसका परिणाम यह हुआ कि सीए का कानून अभी भी कचरा कुंडी में पड़ा हुआ। हो गया, मुसलमानों को फायदा हो गया। मुसलमानों को खास तौर पर, इधर ज्यादा संख्या नहीं है, 10-5 लोग है, 10-5 मुसलमान है, मुसलमानों के सारे लोग 100% मिलाकर भी नहीं कर सकते थे। 100% मुसलमान इकट्ठा होकर भी जो कर नहीं सकते थे वो हमने करके दिखाया, क्योंकि जितने ज्यादा मुसलमान सड़कों पर उतरते उतने ज्यादा हिंदू इकट्ठा हो जाते। आया समझ में? आया
और जितने ज्यादा हिंदू इकट्ठा हो जाते उतना ज्यादा मुसलमान का संकट बढ़ जाता। मैं हिंदुओं से निकाल रहा हूं एससी एसटी ओबीसी को अलग, और कह रहा हूं ये हिंदू नहीं है, और ब्राह्मणों को चुनौती देके कह रहा हूं कि तुम्हारे कौन से धर्म ग्रंथों में एससी एसटी ओबीसी हिंदू लिखा हुआ है बताओ। किसी मुसलमान को पता नहीं है, मुसलमानों को पूछो तो कहता है एससी एसटी ओबीसी हिंदू है। उसको ये समझ भी नहीं आता कि एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहने से मुसलमान हमें आरएसएस के कैंप में ढकेलने का काम करते हैं, ये उनको समझ भी नहीं आता। चौधरी साहब, राजनीति है, इतना आसान मामला नहीं है कि समझ जाए। एससी एसटी ओबीसी के लोग जितने हिंदू बनेंगे उतना संकट मुसलमानों का बढ़ेगा। एससी एसटी ओबीसी के लोग एससी एसटी ओबीसी जितने ज्यादा हो जाएंगे उतना मुसलमानों का संकट खत्म हो जाएगा। एससी एसटी ओबीसी टर्म जो है सामाजिक है, और हिंदू जो टर्म है वो धार्मिक है। जब एससी एसटी ओबीसी के लोगों को मुसलमान हिंदू के अकाउंट में जमा करते तो हिंदू का अकाउंट ब्राह्मणों का अकाउंट है, तो ब्राह्मणों के अकाउंट में हम आप लोग हमें क्यों जमा करते हो? संविधान ने हमें शेड्यूल कास्ट के नाम पर अधिकार दिया, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर अधिकार दिया, ओबीसी के नाम पर अधिकार दिया। जब आप एससी एसटी ओबीसी खत्म करके हिंदू बनाओगे साले, हमारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। जब हम हिंदू बनते हैं तो अधिकार खत्म होते हैं, एससी एसटी ओबीसी बनते हैं तो अधिकार मिलते हैं। ये व्यवस्था बाबा साहब अंबेडकर ने बना के रखी हुई है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। ये कोई समझाने वाला नहीं देश में, मेरे अलावा किसी को समझ भी नहीं आता तो समझाएगा क्या? तो इसलिए मैं आप लोगों को यह समझा रहा हूं कि सीएए का जो कानून है, यह कानून हमारी वजह से कचरा कुंडी में पड़ा हुआ है। भाजपा के लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली नेता है, बहुत ताकतवर नेता है, कहते हैं बहुत शक्तिशाली नेता है। चलो मान लेता हूं बहुत शक्तिशाली नेता है। इस शक्तिशाली नेता ने जो कानून पास किया, वो कानून पास पार्लियामेंट के द्वारा किया, वो कानून लागू ना होने देने वाला वामन मेश्राम कितना शक्तिशाली है, वो तो नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा शक्तिशाली है। आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है, थोड़ा अच्छी बात है, थोड़ी समझ में आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा, थोड़ा आ रहा है। विधानसभा में देखो, ये 2020 में सीएए कानून हमने लागू नहीं होने दिया, मुसलमानों का सबसे ज्यादा फायदा करवाया। 90% से ज्यादा मुसलमानों ने वोट किसको दिया? वो लड़ा कभी अखिलेश यादव लड़ा? ये मुसलमानों को समझ में नहीं आता, ये है संकट। कई मुसलमानों को मैंने पूछा, जब ये लोग जिनको आपने वोट दिया वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे चुनाव के बाद, तो क्या होगा तुम्हारा? मैंने पूछा कुछ मुसलमानों, तुम लोगों का क्या होगा जब वो लड़ाई जिनको तुमने वोट दिया वो तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा? तो बोलते आप तो है ना। क्या बोलते हैं, क्या बोलते आप तो है ना, यानी लड़ाई लड़ने के लिए मैं और वोट देने के लिए। अगर मुसलमान इसी तरह से धोखाधड़ी करता रहेगा तो फिर दूसरे लोग भी मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी करने के बारे में सोचेंगे। मुसलमान मुझे कंप्लेंट करते रहते हैं, इन्होंने धोखा दिया, उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने धोखा दिया। अब मैं मुसलमानों को कंप्लेंट करूंगा, आपने मेरे साथ धोखा किया, सबूतों के साथ बता रहा हूं, पब्लिक में बता रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये देखो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड पर बोल रहा हूं।
काल्पनिक नहीं बोल रहा हूं, सबूतों के साथ बोल रहा हूं। बत्तीस % वोट है अखिलेश को, उसमें 19% मुसलमानों का, निकालो अखिलेश का कितना है, 13। तुम लोगों का 19, अखिलेश का 13, और वो तुम्हारी कोई लड़ाई, लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, समझा मैं रहा हूं, सारे सबूतों के साथ बता रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात, जो 19,48,000 लोग, जिसमें SC ST OBC को, RSS के लोग, BJP के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते हैं हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, RSS के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, इन लोगों को हिंदू कब कब कहते हैं, SC ST OBC को, जब चंदा लेना है तो हां हिंदू हो, वोट लेना है तो हिंदू हो, है? राम जन्मभूमि का आंदोलन करना है तो हिंदू हो, मंदिर की कमेटी बनाना है तो नहीं नहीं तुम हिंदू नहीं हो। कल्याण सिंह को नहीं लिया कमेटी पर, मर गया बेचारा, उसके लिए उसकी सरकार गई, मगर कल्याण सिंह को राम मंदिर की कमेटी में सदस्य नहीं लिया, उमा भारती को भी नहीं लिया, रितंबरा ये जितने ओबीसी के लोग हैं एक को भी नहीं लिया, इनके पिछवाड़े पर लात मारा। हमारे लोगों को हिंदू क्या मतलब है यही समझ में नहीं आता। तो वो लोग कहते हैं जब अधिकार देने का मामला आता है तो कहते हैं तुम लायक नहीं हो, कहते हैं तुम लायक नहीं हो। तो हमारे लोगों को समझ में नहीं आता यार ये क्या कह रहे, लायक नहीं हो। हमारे लोगों को डायरेक्ट लैंग्वेज समझ में आती है, डायरेक्ट लैंग्वेज क्या है, डायरेक्ट लैंग्वेज तुम नालायक हो। तो हमारे लोगों को जल्दी समझ में, अरे साला गाली दिया, हमारे लोगों को जल्दी समझ में आता है अरे गाली दिया। अगर वही बात इनडायरेक्ट लैंग्वेज में कहो तुम लायक नहीं हो, वही बात है, तुम लायक नहीं हो मतलब नालायक हो, मगर लायक नहीं हो इनडायरेक्ट लैंग्वेज, नालायक हो डायरेक्ट लैंग्वेज। हमारे लोगों को डायरेक्ट लैंग्वेज समझ में आती है, इनडायरेक्ट समझ में नहीं आती है। तो इसलिए मैं आपको बात समझा रहा हूं, ये लोग जिनको SC ST OBC को हिंदू कहते हैं तो हम किसी मापदंड में हिंदू नहीं है। जब मैंने ये सारे देश भर में आसाम का उदाहरण देकर कहा कि 14,48,000 लोगों को इन लोगों ने नागरिकता के अधिकार से वंचित किया, ये अभियान मैंने चलाया। जानते हो क्या परिणाम हुआ, अभी होम मिनिस्ट्री को एक व्यक्ति ने RTI में पूछा कि जो 19,48,000 लोग नागरिकता के अधिकार से वंचित किए गए थे अब उसमें कितने रह गए हैं, तो होम मिनिस्ट्री ने लिख कर दिया 1,006। जब हमने अभियान चलाया, अरे तुम SC ST OBC को हिंदू कहते हो और हिंदुओं को ही तुमने नागरिकता के अधिकार से वंचित किया, तो यह सारा षड्यंत्र सारे देश भर में एक्सपोज हो जाएगा और लोगों को मालूम हो जाएगा, यह मालूम नहीं होना चाहिए। इसलिए BJP ने, RSS ने, विश्व हिंदू परिषद ने हमारे अभियान की वजह से अब केवल उसमें से 1,006 लोग रह गए। मुसलमानों का मामला भी खत्म कर दिया और SC ST OBC का भी मामला खत्म कर दिया। ये हमारे संगठित शक्ति के बल पर हुआ, जिस संगठित शक्ति के बल पर हमने भारत बंद किया, और भारत बंद करने के बाद RSS, विश्व हिंदू परिषद और BJP के लोग बैठे, बैठने के बाद उन्होंने मनन चिंतन किया कि हमने 50 साल मेहनत करके SC ST OBC को मुसलमानों से लड़ाया और मुसलमानों को SC ST OBC से लड़ाया। ये वामन मेचराम ने एक ही झटके में एक तरफ SC ST OBC को इकट्ठा किया, दूसरी तरफ मुसलमानों को जोड़ दिया और हमारे 50 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया।
50 साल लगाकर हमने जो मेहनत किया एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों से लड़ाने के लिए, मुसलमानों को एससी एसटी ओबीसी से भिड़ाने के लिए, एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों से भिड़ाने के लिए और मुसलमानों को एससी एसटी ओबीसी से भिड़ाने के लिए जो 50 साल हमने मेहनत की सारी पानी में फिर गई। ये लोग इकट्ठा ना आए इसके लिए हम कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे थे वही बात हो गई। ये बात समझा रहा हूं आप लोगों को, वैसे इतना आसान नहीं है ये बात समझना, क्योंकि ये राजनीतिक मामला है, इसका संबंध राजनीतिक सत्ता के साथ में है। अगर उत्तर प्रदेश की सत्ता चली गई होती तो उत्तर प्रदेश से सत्ता जाने से 50% सत्ता केंद्र की चली जाती है। अकेले उत्तर प्रदेश से अगर सत्ता चली जाती तो केंद्र की हनक 50% कम हो जाती। हनक शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, हिंदी ज्यादा शुद्ध है, औकात, औकात जल्दी समझ में आएगा। तो केंद्र सरकार की औकात 50% घट जाती। तो ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा, और इतनी ताकत और इतनी औकात आज हमारे आंदोलन में और संगठित शक्ति में है, इतनी बड़ी संगठित शक्ति हमने निर्माण की। उस संगठित शक्ति के बल पर हम लोग ये करने में कामयाब हो रहे हैं। इतना लंबा समय 46 साल लगाकर, इतना लंबा समय लगाकर इतनी बड़ी ताकत पैदा की। 674 जिलों में हमारा संगठन फैलाना है बामसेफ का। ये आने वाले समय में जो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन सारे देश भर में चला रहे हैं, इस आंदोलन के बदौलत हम लोग हमारा आंदोलन आगे बढ़ाने वाले हैं। अभी भविष्य में हमारा थ्रस्ट एरिया आंदोलन पर रहेगा, क्योंकि आम आदमी के लिए अगर काम करना है, गांव में रहने वाले लोगों के लिए काम करना है तो आंदोलन बढ़ाना होगा, आंदोलन को विशाल करना होगा, साधारण लोगों को आंदोलन में शामिल करना होगा। केवल पढ़े लिखे लोगों को आंदोलन में शामिल करने से आंदोलन जन आंदोलन नहीं होगा, आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित करना होगा। गांव गांव में रहने वाले लोगों को शामिल करना होगा। अभी 25 मई को हमने भारत बंद का ऐलान किया तीसरी बार, ध्यान रखो। अभी 25 मई, आज की क्या तारीख है, 12, आज से 13 दिन बाद भारत बंद का ऐलान है। सारे देश भर में भारत बंद की तैयारी है। लगभग 1,20,000 सेंटर पर भारत बंद करेंगे। 1,20,000 सेंटर पर हमारे लोग इकट्ठा होंगे और ट्रैफिक जाम करेंगे या जो करना है करेंगे, उसका सारा का सारा प्लान जो है लोगों को बताया जा चुका है, सारे देश भर में करेंगे। तो इस तरह से इस आंदोलन के लिए अभी तीसरे चरण में हम लोग भारत बंद कर रहे हैं, तीसरी बार भारत बंद कर रहे हैं। इसका प्रथम नंबर का मुद्दा है ओबीसी की जाति आधारित गिनती। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी, देश का एजुकेशन मिनिस्टर ओबीसी, देश का प्रधानमंत्री ओबीसी, देश का धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर ओबीसी, मगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं। जंगलों में रहने वाले जानवरों की गिनती हो रही है, मगर देश में गांव में रहने वाले कुत्तों की, बिल्ली की, भेड़ बकरियों की, सुअरों की गिनती हो रही है, मगर इंसानों की, ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। अगर शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, नॉमिनेटेड ट्राइब के लोग अगर इस आंदोलन से ज्यादा जागृत हो गए हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो ओबीसी के लोगों को जागृत करने का काम करे। जितने जागृत होंगे उतने लोग आपके साथ आएंगे, जो नहीं होंगे उनको जगाने का काम जारी रखो। इस देश की, वर्ण की, जाति की, अस्पृश्यता की, आदिवासियों के सेग्रीगेशन की, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपने की, महिलाओं के दासता की, ये सारी समस्या एससी एसटी ओबीसी के लोगों के इकट्ठा होने से खत्म होगी, ध्यान रखो, अन्यथा नहीं होगी। अगर आप पहल करके ये तमाम लोगों को जागृत करके संगठित करने का काम करने में कामयाब होते हो
तो ये समस्या हल होगी। ये गुलामी की समस्या है, इसका समाधान तभी हल होगा अन्यथा नहीं होगा। जिस देश में ब्राह्मणों की कितनी बड़ी ताकत है, वो देश के प्रधानमंत्री को अपने नियंत्रण में करता है। नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, ए रियल प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि ओबीसी का आदमी होकर ओबीसी के ही विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करता है। ये स्वाभाविक कहा जा सकता है? नहीं, इसे स्वाभाविक नहीं माना जा सकता। कैसे स्वाभाविक नहीं माना जा सकता, मैं आपको उदाहरण देता हूं। गधे से गधा आदमी ढूंढो, होता नहीं है मगर ढूंढो। गधे से गधा, उसके हाथ में कुल्हाड़ी दे दो और कुल्हाड़ी देने के बाद उसको कहो तुम्हारा एक कुल्हाड़ी से बाया पर काटो, तो गधे से गधा आदमी क्या कहेगा? गधा जरूर हो, इतना गधा नहीं कि अपने ही हाथों से अपना पैर काट दो। गधा जरूर हो मगर इतना गधा नहीं हूं कि अपने ही हाथों से अपना पैर काटू। तब गधे से गधे आदमी को समझ में आता है, तो नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आता, इस वजह से कर रहा है। ऐसा कैसे कहा जा सकता है? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। नरेंद्र मोदी को समझ में आता है, हमारे से ज्यादा आता है। हमारे से ज्यादा आता है तो जैसा हम कर रहे वैसा वो क्यों नहीं कर रहा है? अगर उसने हमारे जैसा ही काम किया होता तो हमारा जैसा ही उसको सड़कों पर घूमना पड़ता, प्रधानमंत्री नहीं बनता। आया समझ? अगर वो हमारे जैसा ही करता तो फिर हमारे जैसा ही सड़कों पर घूमता, प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। इसलिए उसके पास हमसे ज्यादा समझदारी है, वो आरएसएस की गुलामी स्वीकार करता है और प्रधानमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री मानने के लिए राजी हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय आरएसएस ब्राह्मण, आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है। नॉमिनेटेड का क्या मतलब है? ये बाबा साहब अंबेडकर ने 1932 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के साथ जब झगड़ा हुआ तो बाबा साहब अंबेडकर ने गांधी जी को कहा, हमें नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, हमें रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो बाबा साहब अंबेडकर का और गांधी जी का झगड़ा ये नहीं था कि कोई निजी काम था। गांधी जी के खेती में बाबा साहब अंबेडकर के ढोर डंगर जाके चर रहे थे और बाबा साहब अंबेडकर के खेती में गांधी जी के ढोर डंगर जाके चर रहे थे, ऐसा कोई मामला ही नहीं था, क्योंकि दोनों के पास खेती नहीं थी, ढोर डंगर होने का सवाल ही नहीं था, इसलिए ढोर डंगर के मुद्दे पर झगड़ा हो रहा था, यह नहीं था। मामला सिद्धांत का था कि यदि हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिले तो वो रिप्रेजेंटेशन रियल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर का आग्रह था रियल होना चाहिए, गांधी जी इस बात के बारे में राजी नहीं थे कि रियल रिप्रेजेंटेशन के गांधी जी विरोध में थे, तो नामधारी रिप्रेजेंटेशन देना चाहते थे। नामधारी, नॉमिनेटेड मींस नामधारी। नामधारी भी आपको समझ में नहीं आता, नॉमिनेटेड भी आपको समझ में नहीं आता। मैं आपको देहाती आदमी हूं, देहाती उदाहरण देता हूं, और उदाहरण देने के पहले यहां हमारी महिलाएं हैं, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, उदाहरण देना पड़ेगा इसलिए क्योंकि सवाल मुझे अकेले के समझने का नहीं है, आप सब लोगों को समझने का है। साथियों, गांव में शादी होती है तो शादीशुदा आपने आदमी अपने दोस्त को परिचय देता है, ए मेरी शादीशुदा बीवी है। वो क्या बोलता है? ए मेरी शादीशुदा बीवी है। दोस्त पूछता है, ये इधर जो औरत खड़ी है ये कौन? ऐसी रखी हुई है। ये औरत कौन? ऐसी रखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही रखा हुआ प्रधान ने। देखा, नॉमिनेटेड कहा तो समझ में नहीं आया, नामधारी कहा तो समझ में नहीं आया, उदाहरण दिया तो समझ में आया ना। सवाल मेरे अकेले के समझने का नहीं है, सवाल जो मैं समझ चुका हूं वो बात आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए ये कह रहा हूं, इसलिए ये बता रहा हूं। तो इसलिए साथियों, ये है समस्या।
और इस वजह से हम लोगों को हमारा राष्ट्रव्यापी संगठन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, आंदोलन को जन आंदोलन और जन आंदोलन को आत्मनिर्भर जन आंदोलन निर्माण करना जरूरी है। स्व के बल पर, हमारे अपने लोगों के बल पर, हमारे अपने ताकत के बल पर, हमारे शक्ति के बल पर, हमारे साधनों और संसाधनों के बल पर हमें अपना आंदोलन खड़ा करना है, तभी जाकर हमारा मामला हल हो सकता है। ऐसे ही नहीं होगा। इसलिए आपको अपील है, आप यहां बैठकर सुन रहे हो, आपको मैं कुछ बातें समझा रहा हूं, तो मैं आपको अनुरोध करता हूं कि जो बातें आपको समझ में आई, अपने अपने इलाके में, अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र में जाकर के ये बातें लोगों को समझाओ, और इसके आधार पर हम लोगों को इस देश में एक विशाल जन आंदोलन खड़ा करना है, व्यापक जन आंदोलन खड़ा करना है, ताकि इस परिस्थिति में बदलाव लाया जा सके। जब तक ऐसा बदलाव नहीं लाया जाएगा, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, ये इससे मामला हल होने वाला नहीं है। काशीराम जी कहा करते थे, एक नागनाथ है एक सापनाथ है, सापनाथ जाएगा तो नागनाथ आएगा, नागनाथ जाएगा तो सापनाथ आएगा, नागनाथ आ गया तो भी काटेगा, सापनाथ आएगा तो भी काटेगा, दोनों के पास जहर है, अगर काटेगा तो मरना हमारा तय है। इसलिए सापनाथ का विकल्प नागनाथ नहीं हो सकता, नागनाथ का विकल्प सापनाथ नहीं हो सकता, हमें अपना खुद विकल्प ढूंढना पड़ेगा, और वो विकल्प संविधान में, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमें इस देश में क्या करना है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। ये लक्ष्य घोषित किया बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के बारे में तो आप बोलते रहते हो, मगर बाबा साहब अंबेडकर ने यह संविधान किस लिए लिखा, तो उसने पहले पन्ने पर लिखा कि हमें यह संविधान क्यों लिखा, इसलिए लिखा ताकि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना, इसके लिए लिखा। केवल संविधान लिखा वो नहीं महत्वपूर्ण, संविधान किस लिए लिखा, उद्देश्य के लिए। उद्देश्य क्या है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है, इसके लिए ये संविधान लिखा गया है। उसका उपयोग करेंगे तब होगा, और उपयोग करने के लिए संगठित शक्ति चाहिए, संगठित शक्ति के बल पर ही ये करना संभव है, अन्यथा नहीं है। इसलिए आपको अनुरोध है, आपको अपील है कि आप फील्ड में जाकर लोगों को, जो मैं आपको संदेश दे रहा हूं, आप लोगों पे जाकर संदेश दो, लोगों को तैयार करो, और एक विशाल आंदोलन खड़ा करना जरूरी है। ईवीएम ने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। दो जानकारी बताकर समाप्त कर देता हूं। ईवीएम, एक पूरी उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम के लिए गया था, एक मुस्लिम आदमी मिला, उसने मुझे कहा मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव में 700-800 मुसलमान रहते हैं, मेरे परिवार के 15 वोट हैं, कम से कम 200-300 मुसलमानों ने मुझे वोट दिया होता, मगर मान लेता हूं मैं कि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया, मगर मेरे परिवार के 15 वोट हैं। जब उस बूथ पर काउंटिंग हुआ तो 5 निकले, 15 लोगों ने वोट दिया, वोट निकले 5, मेरे परिवार के 15 लोगों ने मुझे वोट दिया, मेरे भाई मुसलमानों ने मुझे नहीं दिया, चलो ठीक है मैं मान लेता हूं, मेरे परिवार ने 15 वोट दिया, काउंटिंग में बूथ में 5 निकले, 10 कहां गए, हो गया ईवीएम में वोटों की चोरी होते का सबूत। दूसरा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस मशीन में आपने वोट डाला, ऐसी मशीनरी खड़ी की गई थी जो हथियारबंद थी, सरकारी मशीनरी थी, और वो लोगों के पास एक मशीन हुआ करती थी, वो मशीन क्या करते थे, जिसमें जनता ने वोट डाला वो अधिकारी को कहते थे ये हमें दे दो, ये गाड़ी में डालो, कलेक्टर के पास जो गाड़ी मशीन जाएगी उसमें जो मशीन हम देंगे, जो ईवीएम आपको हम देंगे वो लेके जाओ, और जो लोगों ने वोट डाला वो हमारे पास दे दो, ये दो सबूत हमारे पास है। उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो रिजल्ट है
वो रिजल्ट बदलने के लिए ये दो कारण है बड़े, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश का चुनाव बदला गया है। मेरी अभी भी केस है सुप्रीम कोर्ट में, और एक दूसरी केस जो है सुप्रीम कोर्ट में मैं डालने वाला हूं, अभी सुप्रीम कोर्ट ओपन हो गया है, अभी मैं जाने वाला हूं। तो इस तरह से साथियों ये लड़ाई हम लोगों को लड़नी होगी। ईवीएम को खत्म किए बगैर लोकतंत्र को बचाया नहीं जा सकता, और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो 10 पॉइंट के लिए भारत बंद किया जा रहा है उसमें ओबीसी की जाति आधारित गिनती के साथ साथ ईवीएम का भी मुद्दा है। सारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के 10 मुद्दे हैं, सारे लोगों के मुद्दे हैं, सभी लोगों के लिए है। जिन लोगों को आने वाले भारत बंद में सहभागी कराना है वो सारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के मुद्दे हैं। वो लोग अपने अपने इलाके में जाकर भारत बंद करे, अपने अपने दुकान खुद बंद करे, दूसरे की मार्केट बंद करे। अगर आप ऐसा करते हो तो ये भारत बंद सफल हो जाएगा और एक बहुत बड़ा मैसेज चला जाएगा। ये करना होगा, ये करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी।